स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन मेटल क्या होते हैं. तो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट पोजेस इलेक्ट्रिसिटी या विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल आर दोज सब्सटेंसेस. नॉन मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. इसके बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. तो स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स जो है वो अगर ये गुड कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी की, इसका मतलब दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स are not good conductor of heat and electricity. Heat and electricity, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. सेकेंड हमारे पास आता है कि they do not possess luster nature. ठीक है, क्या आता है हमारे पास? they do not possess एनी लस्ट्रस नेचर. ठीक है, ये कोई शाइनिंग जो है वो पोजेस नहीं करते. स्टूडेंट, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे नॉन मेटल जो है शाइनी नेचर के नहीं होते, एक्सेप्ट आयोडीन. एक्सेप्ट आयोडीन. और यहीं से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि राइट द नेम ऑफ द नॉन मेटल विच पोजेस लस्टर. तो कौन सा नॉन मेटल जो है लस्टर को पोजेस करता है? आयोडीन जो है वो क्या होती है? उसमें लस्टरस नेचर होती है, यानी कि लस्टर को पोजेस करता है. समझ में आ गया स्टूडेंट? तो दे डू नॉट पोजेस एनी नॉन मेटल्स जो है, सारे नॉन मेटल जो है वो लस्टरस नहीं शो करते, शाइनी नेचर इनकी नहीं होती. सिर्फ आयोडीन की जो नेचर है वो क्या होती है? शाइनी नेचर होती है. क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड? समझ में आया सबको? थर्ड हमारे पास आता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ना तो वो मैलेबल होते हैं, ना ही वो सोनोरस होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं. ठीक है, ना तो आप जो है उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही आप उनमें से वायर्स बना सकते हैं, और ना ही आप उनको बीट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. समझ में आ गया सर? तो हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स आर नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल. नॉर डक्टाइल, ना तो ये मैलेबल है और ना ही ये डक्टाइल है. समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, कि नॉन मेटल्स आर नॉर सोनोरस. क्या है ये? नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. ठीक है, ये सोनोरस नहीं है, क्योंकि जब हम इनको बीट करते हैं तो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते. समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. जैसे मेटल हार्ड होते थे तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, ब्रिटल. और क्या होते हैं ये? ब्रिटल होते हैं. ठीक है, सिर्फ कार्बन का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है जिसको हम डायमंड कहते हैं. कार्बन के तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरिन्स. कितने एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं कार्बन के? थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरिन्स. तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्ट, यहाँ
यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेप्ट डायमंड विच इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं ग्रेफाइट वो सॉफ्ट होते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं ब्रिटल, लेकिन डायमंड जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो क्या होता है, वो जो है हार्ड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास, नॉन मेटल्स डेंसिटीज, नॉन मेटल की डेंसिटीज क्या होती है, लो होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल्स। जैसे सल्फर होता है सॉलिड होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है वो गैसेस के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। तो आपसे स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं नेम द राइट ऑफ द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन डालेंगे नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, जो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप आंसर लिखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया, जितनी भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस हैं वो सब गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ओनली ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, और ये सॉलिड में जो है डायमंड का जो है, जो कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, ठीक है, और सल्फर है, ये जो नॉन मेटल्स हैं वो किसी फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? सबको समझ में आया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्या होता है? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। समझ में आ सकता है? नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग, और क्योंकि गैसेस स्टेट में है तो वीक वंडरवॉल वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें प्रेजेंट होंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड है, सॉलिड है सिर्फ डायमंड के केस में हम कह सकते हैं, डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, तो उसके केस में हम कह सकते हैं कि जो डायमंड है उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं आप यहाँ पर, एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, बिकॉज डायमंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। क्लियर क्वेश्चन? यहां तक सबको समझ में आया? इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, लो होती है। क्या होती है? नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पर, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, लो होती है। यू कैन राइट मेटल्स हैव, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया?
लगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल, नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर नॉट सोनोरस, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट हार्ड, ओनली डायमंड इज हार्ड, ठीक है। और हमने क्या किया, इनका मैटिक और पॉलिक पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है, सिर्फ डायमंड का जो मैटिक और पॉलिक पॉइंट होता है वो क्या रहता है, हाई रहता है, समझ में आ गया फ्रेंड। और ये जो है बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन आप बैड कंडक्टर में आप ये बता सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज ग्रेफाइट, क्या है वो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया सर। जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया। तो ये हमारा टॉपिक जो स्टूडेंट आज फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।